नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। जीएसटी में वो छोटी छोटी गलतियां जिन पर बड़ी पेनल्टी लगाई जा सकती है, आइए इनके बारे में जानते हैं। सीजीएसटी रूल 18 सब रूल 1 के अनुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तथा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के प्रोमिनेंट प्लेस पर डिस्प्ले करना होगा। सब रूल 2 के अनुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन को अपना जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रत्येक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तथा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के साइन बोर्ड पर लिखना अनिवार्य है। सीजीएसटी रूल 5 सब रूल 1 तथा क्लोज जी के अनुसार कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तथा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के साइन बोर्ड पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना अनिवार्य है। इस प्रकार इन बातों का प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन को ध्यान रखना होगा। अगर इनमें किसी भी प्रकार की गलती होती है तो जीएसटी में पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये पेनल्टी कितनी होगी, आइए इसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 125 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अनुसार अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस का पालन नहीं किया जाता है तो उस पर इस एक्ट में अगर किसी भी प्रकार की पेनल्टी का उल्लेख नहीं है तो इस सेक्शन के अंतर्गत मैक्सिमम 25,000 रुपये तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसीलिए प्रत्येक टैक्सपेयर्स को इन बातों का ध्यान में रखना होगा, अन्यथा उन पर जीएसटी में पेनल्टी लगाई जा सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।